फर्स्ट ऑमलेट कम। वेलकम टू सिमल कुजीन कल्चर। सिमल कुजीन में बनने जा रहा है मैंगो मोस केक। समर चल रहा है और एवरीवेयर नजर आ रहे हैं मैंगोस, सो इसलिए मैंने भी बनाया है मैंगो मोस केक। क्योंकि मैं शॉप पे गई, वहाँ पे अपने पाकिस्तानी मैंगोज आए हुए थे, बड़े अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा ट्राई किया जाए मैंगो मोस केक पाकिस्तानी मैंगोज के साथ। सो चले, इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके लिए मैंने लिया है ऑल पर्पस फ्लावर, बेकिंग पाउडर और सॉल्ट है, और इसको मैंने मिक्स किया है अच्छे से और इसको मैंने रख दिया है एक साइड पे। और अब लिया है अनसॉल्टेड बटर, शुगर, इनको मैंने बीट कर लिया है 3 to 4 मिनट्स के लिए मीडियम स्पीड पे कि ये क्रीमी हो जाए। क्रीमी मैंने इसको इसलिए किया है और 3 to 4 मिनट मैंने इसलिए बीट किया है कि हमारा केक जो है वो सॉफ्ट हो, फ्लफी हो और हमें ड्राई केक ना मिले। और अब ये है मेरे पास 2 large eggs, होम टेम्परेचर पर हैं और मैंने इनको ऐड करना है 1 by 1। अब मेक श्योर करें कि एग और बटर जो है वो रूम टेम्परेचर पर हो, इससे केक बहुत अच्छा बनता है, ड्राई नहीं होता और फ्लफी केक होता है। चले, मेरे एग्स इसमें डल चुके हैं और अब मैंने इसमें ऐड किया है अपना जो फ्लावर का मिक्सचर मैंने ऑलरेडी एक साइड पे रखा हुआ था वो, और इसको मैंने अब लो स्पीड पे 3 to 4 मिनट के लिए ओनली मैंने इसको बीट करना है कि ये मुझे सिर्फ कंबाइन चाहिए। और ये मेरे पास है 1 cup मिल्क है, इसको मैंने ऐड करना है इसमें स्लोली स्लोली, 1 time है, मैंने सारा मिल्क इसमें ऐड नहीं करना। और अब ये है जी मेरे पास पाकिस्तानी मैंगोज, जो मैंने आपको बताया कि ये मुझे नज़र आ गए थे शॉप पे, सो मैंने इसीलिए ये रेसिपी ट्राई की है। सो 1/2 cup है मैंगो पल्प और 1 teaspoon वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड किया है मैंने इसमें, और अब मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है और साथ में मैंने मैंगो पल्प ऐड किया है, इसकी मैंने मैंगोज की प्यूरी बना ली थी। और इसको मैंने कंबाइन करना है अच्छे से इस बैटर को, ओवर बीट इसको बिल्कुल भी नहीं करना, इससे हमारा केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। सो आप मेक श्योर करें कि आप इसको ओवर बीट ना करें। चले, हमारा ये मिक्सचर जो है ये रेडी है, इसको स्पैटुला से मैंने बस एक दफा इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ओवन मैंने ऑलरेडी अपना प्री हीट कर दिया था, टिन मैंने ऑलरेडी ग्रीस कर लिया है, सो इसको हम डालते हैं अपने टिन में और रखते हैं ओवन में 30 to 40 मिनट्स के लिए। टेम्परेचर आपके ओवन पे डिपेंड करता है कि आपके ओवन का टेम्परेचर कितना है। और अब जब तक हो रहा है हमारा केक रेडी, अब मैंने ली है विप क्रीम 300 ml और इसमें मैंने ऐड की है अपनी शुगर। आप इसमें कोई भी शुगर ऐड कर ले, मैंने इसमें कन्फेक्शनर शुगर ली है, या 1/4 cup या 1/2 cup ले ले, एडजस्ट कर ले अपने टेस्ट के हिसाब से। और इसको मैंने करना है विस्क अंटिल के इसकी सॉफ्ट पीक हो जाए। ये देखें, ये सॉफ्ट पीक है, सो हमारी विप क्रीम रेडी है। और इसको 10 मिनट्स के लिए मैंने रख दिया है रेफ्रिजरेटर में। और अब ये मेरे पास है 2 tablespoons जेलाटिन है और इसको मैंने 1/4 cup वाटर में, इसको मैंने हॉट वाटर को इसको डिसॉल्व करना है अच्छे से, क्योंकि जेलाटिन जो है वो मोस केक में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। इसी से हमारा मोस केक जो है वो अच्छे से जमता है। और इसको अच्छे से डिसॉल्व करके मैंने एक साइड पे रख दिया है और अब हमारा केक भी रेडी हो चुका है। लेकिन इसको कूल डाउन कर लिया है मैंने कम्प्लीटली और इसको कट करके मैंने
इसको सेट कर दिया है और अब मैंने जो मैंगो पल्प है 400 ग्राम लिया है, मैंने अगेन मैंगो पल्प लिया है मोस के लिए 400 ग्राम। इसमें जो मेरा जेलाटिन हॉट वाटर में डिसॉल्व की थी वो इसमें ऐड की है और इसको अच्छे से मैंने जो मैंगो पल्प लिया है मैंने 400 ग्राम इसमें मैंने इसको मिक्स किया है और अब मैंने इसको ऐड कर दिया है अपनी व्हिप्ड क्रीम में और इसको मैंने फोल्ड करना है, इसको अच्छे से फोल्ड करना है और इसी तरह से फोल्ड करना है ताकि ये जो मैंगो पल्प है ये जो प्यूरी है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। चलें हमारा जो है मोस वो रेडी हो चुका है और ये जो पाकिस्तानी मैंगोस हैं इनका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। वैसे नॉर्मली यहाँ पे मैंगोस तो मिल जाते हैं लेकिन ये जो टेस्ट पाकिस्तानी मैंगोस का है ये किसी और कंट्री के मैंगो में नहीं आता, तो इसलिए आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी मैंगो की रेसिपी ही अब नज़र आएंगी। चलें अब मैंने इसको मैंगो मूस को सेट कर दिया है अपनी केक के ऊपर, इसके टॉप पे इसकी एक लेयरिंग कर दी है, इसको अच्छे से सेट करना है और अब इसको रेफ्रिजरेट किया था 1 आवर के लिए और अब इस पर मैंने इसको इसके टॉप पे कर दिया है एक लेयरिंग फ्रूट की। आपकी अपनी चॉइस है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये टोटली ऑप्शनल है। जो भी फ्रूट आपके पास या फिर घर में पड़ा हो, मेरे पास ये फ्रूट पड़ा हुआ था तो मैंने इसी को इसके ऊपर ऐड कर दिया, इसकी लेयरिंग कर दी है, लेकिन काफ़ी कलरफुल केक बना इसकी वजह से, अब पता नहीं अच्छा लगा कि नहीं आप बताइएगा। और अब मैंने इसमें जो जेली थी मैंगो जेली वो इसके ऊपर मैंने डाल दी है अच्छे से और इसको फ्रूट को कवर होना चाहिए जेली से। और इसको अब मैंने रेफ्रिजरेट करना है, ओवरनाइट कर सकते हैं लेकिन मिनिमम 5 आवर के लिए ज़रूर रेफ्रिजरेट करना है ताकि ये जो मूस है ये अच्छे से जम जाए। और ये हमारा जो मूस केक है ये रेडी है और जो सबसे मुश्किल पार्ट है इसका, इसको इसमें से निकालना है। सो आपने मेक श्योर करना है कि आपने स्लोली से नाइफ से इसके एजेस को पहले रिमूव करना है ताकि केक जो है वो बिल्कुल भी ब्रोकन ना हो, वो अच्छे से निकल आए। अब देखते हैं ये किस तरह से निकलता है अच्छे से या फिर ये ब्रोकन हो जाता है। आप चाहे जितने भी प्रोफेशनल बेकर हूँ लेकिन केक जो है ये एंड तक ही रहता है कि ये बिल्कुल ठीक हो, चाहे वो कोई भी केक हो। चले जी हमारा केक बिल्कुल अच्छे से आया है, बिल्कुल भी ये टूटा नहीं है और इसका जो मूस है वो भी, इसकी लेयरिंग जो है वो सब की सब बहुत अच्छी से बनी है। और बिल्कुल सेपरेट सेपरेट इसकी लेयरिंग नज़र आ रही है, जेली की भी और फ्रूट्स की और मूस की भी। तो चलें आप भी फिर ये केक ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसको कट करके देखते हैं कि ये किस तरह से है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल बटन ज़रूर ऑन कर दें ताकि आपको मिले मेरी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस और आपको मेरी रेसिपीज़ देखने को मिले मेरे चैनल पर, वो भी बिल्कुल फ्री। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप भी ज़रूर केक बनाएं और इन्जॉय करें समर में,
ये मैंगोस की डिलीशियस केक